सारे प्रचार माध्यम हिटलर के प्रचार में लग गए थे। जो हिटलर का विरोध करता था उस पर हिटलर बैन लगा देता था। हिटलर ने शादी नहीं की थी। हिटलर एक धर्म विशेष के लोगों को देश का दुश्मन मानता था। हिटलर के समर्थकों को उसकी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती थी। हिटलर ने बचपन में पेंट करने और रंग बेचने का काम किया था। सारे प्रचार के साधन, अखबार, पत्र, पत्रिकाएं हिटलर के प्रचार में लगे थे। हिटलर ने तमाम मजदूर आंदोलनों को कुचल दिया था। हिटलर अपने विरोधियों को देशद्रोही कहता था। हिटलर नाजी पार्टी में साधारण सदस्य के तौर पर भर्ती हुआ था और फिर सारे विद्रोहियों को समाप्त कर पार्टी का नेता बन गया था। हिटलर ये प्रचार करके सत्ता में आया था कि वो देश की सभी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर देगा। हिटलर ने सत्ता में आने के बाद समस्याओं को तो खत्म नहीं किया, लेकिन उसने जर्मनी को बर्बाद जरूर कर दिया था। हिटलर ने सत्ता प्राप्ति के लिए नारा दिया था, गुड टाइम्स विल कम, मतलब अच्छे दिन आएंगे। हिटलर की पार्टी जब जीती और वो पहली बार जर्मनी की संसद में गया, तब वह खूब रोया था। हिटलर ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। हिटलर को सजने सवरने का बहुत शौक था। हिटलर झूठ को सच बताने की कला में माहिर था। हिटलर हमेशा मैं ही किया करता था। हिटलर को रेडियो पर भाषण देने का बड़ा शौक था। हिटलर की एक प्रेमिका थी जिसकी वह जासूसी करवाता था। हिटलर अपने भाषण में फ्रेंड्स फ्रेंड्स मतलब मित्रों का उपयोग करता था। हिटलर को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक था। नोट, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हिटलर के बारे में है। हिटलर के अलावा इससे अगर किसी और की समानता पाई जाती है तो केवल एक संयोग होगा।